गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप सब बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, ग्लो तो ज़बरदस्त आ रहा है यार। हाँ, तो मैं कह रहा था, आप सुबह हो गई है, मेरी तो हो गई है। बाल देखो ऐसे लगते हैं यार, जब जेल वेल और ये सब चीज़ें नहीं लगा रखी होती। तो आज कुछ करेंगे, कुछ और नया दिखाता हूँ। जिम तो जाऊँगा ही जाऊँगा, आज थोड़ी शॉपिंग करेंगे, मे भी कल कहीं निकल सकते हैं। बेड से उठ गया हूँ गाइस, अब शावर लेने का टाइम हो गया है। पर ना मेरी से दिक्कत क्या यार, मेरा ना जो स्लीपिंग पैटर्न है ना, स्लीपिंग पैटर्न बोलेंगे सोने का, जिस तरफ करवट लेकर मैं सोता हूँ, मैं बड़ा ना कभी इधर लेफ्ट तरफ राइट तरफ ऐसे ही रहता हूँ, ये पोजीशन बोलेंगे सॉरी। तो ना मेरी नेक में हमेशा पेन रहता है, उस वजह से मैं हमेशा टेढ़ा मेढ़ा सोता हूँ। तो ये आइटम है, ये मैंने ली थी ऑनलाइन, ये मेरे को बड़ा हेल्प करती है। इसको करना क्या, अभी मेरे पास मैट अभी नहीं पड़ा, इसको ऐसे नीचे रखा फ्लोर पे मैट लगा के, और इसके ऊपर हमने यूं करके ये गर्दन रख के यूं लेट के यूं रखना है। इससे क्या होगा, आपकी नेक की जो पोजीशन है ना वो बहुत ओके हो जाएगी और रिलीफ बहुत मिलता है। ऐसे सीधे करके ऐसे लेट जाना है। तो अगर ये दिन में आप 5-10 मिनट भी ऐसे लेटते हो, जिसको दिक्कत है उसे तो बहुत रिलीफ मिलेगा। ये आइटम आप ले सकते हो। तो आज गाइस पियेंगे प्री वर्कआउट में आंवले का जूस, उसको ना पानी मिला दिया, और वैसे मेरा हाथ पता नहीं कहाँ से कट गया यार। चलो कोई नहीं, जिम के लिए रेडी होंगे गाइस। कभी कभी ना अपने ऊपर इतनी खुंदक आती है ना, लगता है भैंजो तुम कितने बड़े चूती हो। फोन चार्जिंग पर लगाया है, उस वाला बटन ही नहीं ऑन करा है 1 घंटे से। जिम आ गया, कहाँ गा रही है नहीं। तो भाई ये आंवले वाला जूस पी के मत आना मेरे को, तो अजीब खट्टे खट्टे से डकार आ रहे हैं। जो मैंने कॉफ़ी बढ़िया बड़ी कर दिया, मन सा नहीं कर रहा वर्कआउट करने का। क्या करें फिर, सोच रहा हूँ थोड़ा सा बैक और बाइसेप कर लेता हूँ, दोनों की 3-3, 4-4 एक्सरसाइज, फिर उसके बाद चला जाऊँगा यार। कुछ अच्छा सा चिकन विकन खाने का मन कर रहा है, बनाते हैं आज कुछ। थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, 1-2 शर्ट लेनी है, बाकी तो मैंने ऑनलाइन कर रखी है, वो लेते हैं फिर उसके बाद कुछ बनाते हैं। बूचर को फ़ोन करता हूँ काटने के लिए चिकन। आज की लुक ये आ रही है गाइस, आज इस वाले थोड़ा सा वर्कआउट करना है, ये वाले वर्क यहाँ पर चेस्ट और बैक वगैरह के लिए। जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पर लेग्स और शोल्डर भी ज़्यादा होती है। 4 फ्लोर मुझे अलग अलग फ्लोर पर रोज करता हूँ। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ, घर आके मैं रास्ते में से चिकन भी लेता आया था कटवा के, और मैं शॉपिंग भी करता आया था, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चिकन ले आया, चिकन को वॉश करते हुए लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं भाई चिकन में से हम नहीं खाते, हमको थोड़ी स्मेल आती है, आता है वो होता है। तो पता क्या करो, जब चिकन लेकर आओ मैं दिखाता हूँ ये क्या। तो पानी डाल के ना इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दो, बस इतना, और इसको 10-15 मिनट ऐसे रखो तो इसकी सारी स्मेल निकल जाती है। सबसे पहले गाइस डाल लिया मैंने घी, ज़रा से इसमें डालेंगे खड़े मसाले, बहुत ज़रा से बस, इससे तेल के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। मोटा मोटा मामला निकाल लो यार, रात में मुंह में आता है यार ये सब, और फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर, इसको फेंक दो। अब डालो जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको अच्छे से हिलाओ डालते ही। 1 किलो चिकन के लिए कटर डालना पड़ेगा, वही ऐसे ही उछलेगा, सबको अच्छे से हिलाना है इसको। ओहो, खुशबू आ रही है, लो फ्लेम पे करना गाइस ये काम, है उछल के बहुत दूर दूर तक आएगा ऐसे ही। अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया गाइस, आप सोच रहे होगे इसमें टाइट बर्तन कुकर क्यों लिया, कढ़ाई में क्यों नहीं बनाया। मेरा स्टाइल है मैं पानी नहीं डालता कभी भी, तो अभी इसको अच्छे से पहले रोस्ट कर लेते हैं घी के अंदर, और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है। कैसे बनेगा इसका, कुछ बड़ा वो नहीं है, मैंने इसके अंदर 5-6 हरी मिर्ची डाली है, 1/2 किलो दही डाली है क्योंकि 1 किलो चिकन है और मैं पानी नहीं यूज़ करने वाला हूँ। 1 ग्राम इसके अंदर काली मिर्च है, बिल्कुल ज़रा सी लाल मिर्ची है, थोड़ा सा इसमें जाएगा जीरा पाउडर दही में ही, करीबन 1/2 चम्मच ही है ये, ठीक है। और थोड़ी सी पार्सले डालूँगा, मुझे पसंद है,
मैं धनिया नहीं डालता हूँ चीज़ों में, पार्सल डाल देता हूँ, तो ठीक है आप इसको थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हो इसके अंदर। गाइस मैंने इसमें हींग भी डाली है जरा सी, ऑप्शनल है आपने डालनी हो डाल सकते हो, मैं थोड़ा डाइजेशन के लिए डालता हूँ। ये बढ़िया सी प्यूरे बन गई, और हमने जो चिकन था ना उसको ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है, ठीक है हल्की मिड फ्लेम ऊपर है, क्योंकि हमने चाहते अभी उसका पानी छूटे और वो ड्राई हो जाए, तब इसमें ये डाल देंगे। पलट देने के बाद देखो ऊपर तक पूरा आ गया ये पूरा, मतलब आपने अच्छे से जब इसकी ग्रेवी बना ली पतला भी हो जाएगा दही ना, पानी नहीं डालना। तो अब इसके अंदर आपको चिकन को पकाना है, ठीक है अभी थोड़ा सा पहले भूनेंगे दही को, फिर उसके इसकी लिड लगा लेंगे ताकि चिकन अपना भी पानी छोड़े और बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाए उससे, ठीक है। तो अब मैं इसको करके जब खोलूँगा तब आपको दिखाऊँगा क्या मैटर है। बंद करने लिड बंद करने से पहले मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला खुशबू के लिए, जो सूखा होता है, थोड़ा सा उधर गर्म मसाला जस्ट चुटकी भर है ना फ्लेवर्स के लिए। खुलने के बाद मैटर ओए होए 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 होए, लास्ट करना ये है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालोगे तो बहुत हैवी हो जाएगा मेरा, बस करीबन क्वार्टर पैकेट अमूल की क्रीम डाल दो और 1 ग्राम ऊपर से और काली मिर्च, और हिला के ना 10 मिनट और इसको, 10 मिनट तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 मिनट के लिए ढक के इसको फिर पका लो। करते टाइम ना आधा नींबू भी इसमें निचोड़ डालो, इसको थोड़ा थोड़ा खट्टा चाहिए। वह हाथ कटा हुआ उसमें नींबू लग गया, ऐसी खुशबू आ रही है ना साला मुर्दा खड़ा हो जाए। सब गिनती के 5 मिनट हाई फ्लेम पे। तो गाइस रेडी हो गया, देखो बिना पानी डाले कितनी ग्रेवी बन गई है, और बिल्कुल पतली पतली ग्रेवी है काली मिर्च वाली। अब उसको खा के देखते हैं ट्रायल के लिए, देखो गल कितने अच्छे से गया चिकन, हड्डी से छूट रहा। तो गाइस ट्राईपॉड खरीदा था, आज समझ आ रहा किस काम का आता है, तो मैटर देख लो ऐसा बना हुआ है। अब इसको टेस्ट करने का है, अब इसे कैसे दिखाऊं, चलो ऐसे करते हैं। बहुत गर्म है पर बहुत टेस्टी है। ओहो बना के देखो तो किसी समझ आएगा, और देसी घी में बनाना, कोई मक्खन नहीं कुछ नहीं, मज़ा आ गया। लो एक बाइट और। बाद में भी रोटी कर खाऊंगा। बाय बाय।